So, dear students, we were talking about depreciation. As already I discussed with you, depreciation means fall in the value of fixed assets. We discuss about what we are going to learn in this chapter. Then I covered the meaning of depreciation. As I told you, depreciation means fall in the value of fixed assets due to its usage, passage of time, or technological change or technological improvement. जब भी आप कोई फिक्स असेट खरीदते हो तो उस फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो टाइम पास ऑन होने की वजह से या तो नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से उसकी वैल्यू में जो गिरावट आ जाती है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो डेप्रिसिएशन एक तरह से ग्रेजुअल और परमानेंट डिक्रीज होता है, फॉल होता है इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट, जो होता है बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ द फिक्स असेट्स और बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम और बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज और बिकॉज ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन से अगर आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है तो उसे डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। डेप्रिसिएशन के फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन के फीचर्स में एक तो है डेप्रिसिएशन में उसकी बुक वैल्यू कम होती है। आपने जो असेट खरीदा है, मान लो 10 लाख में खरीदता है, तो 10 लाख के बाद थोड़े टाइम बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो उसकी वैल्यू में गिरावट आती है और ये कंटिन्यूअसली गिरावट आती है क्योंकि बार बार आप एक ही एसेट यूज करोगे तो एक बात तो श्योर है कि उसकी वैल्यू कम होती रहेगी एज वी आर यूजिंग दैट एसेट कंटिन्यूअसली। फिर मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन इज द लॉस ड्यू टू यूसेज और ऑब्सोलेसेंस, जिसमें ऑब्सोलेसेंस का मीनिंग मैंने आपको बताया कि बीइंग आउटडेटेड, जब कोई असेट आउटडेटेड हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो वो जो उसकी वैल्यू में गिरावट आती है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। फिर हमने बताया कि डेप्रिसिएशन जो है एक डिडक्टिबल एक्सपेंस है। नो डाउट डेप्रिसिएशन को हम कैश में किसी को पे नहीं करते हैं, बाकी के जो एक्सपेंस होते हैं वो हम कैश में पे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेशनरी का एक्सपेंस है तो आप स्टेशनरी का पेमेंट करोगे एक्सपेंस का, तो वो कैश एक्सपेंस है। पर डेप्रिसिएशन में क्या होता है, हमने ऑलरेडी कोई असेट खरीद लिया होता है तभी उसका पेमेंट कर देते हैं। हर साल हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट काउंट करेंगे जो किसी को पे नहीं करना है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है एंड इट इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंस। फिर मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन को आप एक्सपेंस के तौर पे बताओगे तो होगा क्या, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि जितना आप डेप्रिसिएशन बताओगे उतना एक्सपेंस आप बता रहे हो तो आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा और प्रॉफिट आपका कम होगा इस डेप्रिसिएशन की वजह से, तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। बाद में हम बात कर रहे थे फैक्टर्स और बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, जिसमें मैंने बताया कि आपको अगर डेप्रिसिएशन काउंट करना है तो इन चार बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपके असेट की कॉस्ट, मान लो आपने मशीनरी 10 लाख में खरीदा है तो वो आपका कॉस्ट ऑफ असेट होगा। फिर मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ असेट में उसके इंस्टॉलेशन के एक्सपेंस भी ऐड होते हैं। मशीन को खरीदने के बाद मान लो आपने 20,000 रुपीज उसका इंस्टॉलेशन का पे किया है या तो 10,000 रुपया आपने ट्रेवलिंग का एक्सपेंस पे किया है। मान लो आप बड़ौदा में हो आपकी फैक्ट्री और आपने अहमदाबाद से खरीदा है तो अहमदाबाद से बड़ौदा तक आपको मशीन लाने का जो एक्सपेंस लगेगा, ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट लगेगा वो इसमें ऐड होगा। तो मशीन तो हमने 10 लाख में खरीदा है पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 10,000 और इंस्टॉलेशन का 20,000, तो कुल मिला के हो गया 10,30,000 कॉस्ट ऑफ असेट। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू, मतलब आपके पास जो असेट है उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ होगी, उस लाइफ के बाद उसकी आपको क्या स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। मान लो मशीन 10 लाख का आपने 10 साल तक यूज किया, 10 साल बाद आप उसको सेल कर देते हो और आपको लगता है कि तब आपको 1 लाख रुपया मिलने वाला है, 10 लाख रुपए वाले मशीन का स्क्रैप में आपको 1 लाख रुपीज मिलेगा, तो वो आपका एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू हो गया, स्क्रैप वैल्यू हो गया। इसको भी ध्यान में लिया जाता है डेप्रिसिएशन काउंट करते वक्त। थर्ड पॉइंट है डेप्रिसिएबल कॉस्ट। अच्छा, डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या होता है,
नंबर वन में से अगर आप नंबर टू माइनस करते हो तो जो आंसर आएगा उसे डेप्रिसिएबल कॉस्ट कहेंगे। तो आपका नंबर वन था कॉस्ट ऑफ असेट 10,30,000। उस 10,30,000 में से आपने उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी, मान लो वो 1,00,000 रुपए आया है। 10 साल बाद आपको ऐसा लगता है कि 1,00,000 रुपए में मशीन सेल होगा, तो 10,30,000 माइनस 1,00,000, तो जो 9,30,000 आ रहा है वो आपका डेप्रिसिएबल कॉस्ट होगा। तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट एंड एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू, ये दोनों का डिफरेंस। नंबर वन में से नंबर दो माइनस कर दोगे तो आपको डेप्रिसिएबल कॉस्ट मिलेगा। तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ असेट माइनस एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू। और आपका लास्ट पॉइंट यहां पे है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ।